जब उन्होंने मेरा स्टमक चेक किया ना तो मेरा इंटेस्टाइन पूरा ड्राई था। भैया 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 गजब बेइज्जती है। भाई मैंने नहीं खाना था, किसने खाना था? खाना मैंने था। आज हम जा रहे हैं एक सैलून और मैंने वहाँ जाके बहुत सारा कुछ कराना है, लाइक नेल एक्सटेंशन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्पा, और प्रभ भी कराएगा कुछ, है ना? राशि ने मुझे चैलेंज दिया है कि प्रभ मैं आज बहुत ज्यादा बिजी रहूंगी, ओके, लेकिन तुझे योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, बेटर रहना है और मुझे बोर नहीं होना, मुझे आज पूरे दिन बोर नहीं होना। और राशि मुझे बोर करने की पूरी कोशिश करी है लेकिन मुझे बोर नहीं होना। हाँ। मुझे हैप्पी रहना है। हाँ। मतलब मैं तो अपना काम कराऊंगी और मैं प्रभु से कम बात करूंगी, कम वो करूंगी, लेकिन फिर भी प्रभु को मेरे साथ रहना है और प्रभु को बोर नहीं होना है ना, गंदी शक्ल नहीं बना के दिखानी कैमरे में ना, सच्ची में भी बोर नहीं होना, मतलब खुश रहना ना, हैप्पी, एकदम हैप्पी। हाँ ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो। और अगर आपने ये अच्छे से किया तो मैं आपको दूंगी ट्रीट, जो भी आप मेरे से ट्रीट लोगे। दो महीने बाद देना। नहीं मैं अभी भी दे सकती हूँ। तो क्या करूँगा? मुझे फोन नहीं पड़ रहा है, अब इतना दुख रहा है यार। आजकल राशि भी जिम जा रही है, मैं भी जिम, मैं तो जा ही रहा हूँ। प्रभु की तो तगड़ी एक्सरसाइज चल रही है और मैंने भी जिम जाना शुरू कर दिया है और अब आप कुछ दिनों में असर जरूर दिखेगा, और अगर मैं कंटिन्यू जा पाई तो। और अभी ना मैं सबसे पहले आपको अपने आउटफिट दिखाती हूँ क्योंकि मैं तो सीरियसली ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपने आउटफिट से, मुझे तो इतनी ज्यादा बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी प्रभु? मेरे को भी अच्छी लगी, मैं नहीं पसंद कर रही। तो अभी हम चलते हैं अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या कराने वाली हूँ। और होप्स हो कि मैं कुछ ऊट पटांग ना कराऊँ। बस और आता क्या आपको? अबे कौन बोल रहा है, दो दिन हुआ नहीं जिम गए हुए, सेकंड डे था आज, यहाँ देख ले एक हफ्ते से बैंड बजी पड़ी है। यार मैं तो बोर ही नहीं हो रहा भाई, हेलो, मैं बोर नहीं हो रहा, मेरे को तो मजा आ रहा है, मसाज हो रहा है मेरा इतना अच्छा खासा, देख सकते हो गाइस, ये देखो मैं सही मसाज करवा रहा हूँ, आप अपना सोच लो आप क्या करवा रहे हो। अभी तो आप बोर हो रहे हो, आपको तो नींद आ रही है, और रैन तो झूठे। सो गाइस ये देखो राशि बोर हो रही है, यार देखो चीटिंग मत करो, बोर हो रहे हो तो हो रहे हो, क्या हो गया बंदा, रिलैक्सेशन भी बोर हो सकता है, और रैन दो यार, बस ये टास्क तो मैं ही जीतूंगा, मैं जीत चुका हूँ, आप हो चुके हो बोर, अब आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। ओह वाओ, जीवन शटर बना के कौन रिलैक्स होता है, और रहन दो यार। कैसा लग रहा था? भाई थाई मारने के बाद तुमको ऐसे रिलैक्सेशन दे देना, मैं उसको उसका फैन हो जाता हूँ। प्रभाव आपका फैन हो गया भैया, शर्मा रहे, कैमरा नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हो, हैंड मसाज, डी10, ओह डी10, काटो। अच्छा बोर हो रहे हो, अच्छा ये क्या करा है, क्या करा है ये? देखो बात नहीं कर रहा मैं इससे, ये है इससे मैं हो जाऊंगा आपसे भी गोरा, मेरे भी गोरा हो जाओगे, चलो आज देखते हैं कौन ज्यादा गोरा होगा, मैं तो नहीं करा रही डी10, फिर भी देखते हैं, ठीक है ना? आज तो आपके मजे हो रखे हैं वैसे, जिंदगी है मजे, जिम ही जाना जाना है, इसके बाद जिम ही जाऊंगा, आप यहाँ पर मस्ती करो मैं जाऊंगा, मेरा ज्यादा काम नहीं है उन्होंने बोला ना। हाँ तो तुम नहीं जाओगे, मेरे को छोड़ के कैसे जाओगे?
मैं तो आ चुका हूँ गाड़ी में क्योंकि मैं हो चुका हूँ बोर फाइनली। सो मैं भी जा रहा हूँ वर्कआउट करने, ओके। और राशि भी करवा रही क्योंकि राशि का भी स्पा है, फिर उसके बाद नेल एक्सटेंशन है, फिर उसके बाद और एक चीज़ है, मतलब अप्रॉक्स 2 से 2.5 घंटे तो आराम से लगेंगे। सो मैं सोचा मैं तब तक वर्कआउट कराता हूँ क्योंकि उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनानी है राशि ने। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको 2 आवर्स के बाद, ओके। वो ये क्या कर रही है? ओह ता हेलो, कैमरा लेके आई हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। मेरे को नीचे तक दे। अरे घूट तो दे यार, अभी आगे बार घूटते घूटते बता दूंगा। ऐसे कैसे बताएगा, पहले ढंग से बता दे फिर घूटूंगी ना। उठ का तुम्हें लोगों से बातचीत कर ले, ब्लॉग एंड कर दे। हमने ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाए थे हम लोग जब हम वहाँ से आए, तो क्यों नहीं कर पाए कंटिन्यू बता दे एक बार। So guys, आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि मुझे आ गए चक्कर जिम में, बहुत तगड़े वाले हो गए, जो आज तक मुझे जिंदगी में नहीं। वैसे भी थोड़े बहुत आया थे, हाँ ठीक है, स्कूल टाइम पे भी आए हैं, ठीक है, नॉर्मल से होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाइब्रेशन चली है ना, रुकी नहीं, कम से कम 1.5 घंटा वाइब्रेशन रुकी। फीवर हो रहे थे? हाँ, शिवर हो रहे थे, वाइब्रेट हो रही थी पूरी बॉडी, मेरे स्टमक में ऐसे वाइब्रेट हो रही थी। तो फिर शिपा जी आई नीचे, ओके, उन्होंने हेल्प की, तरन ने किया, अर्जुन ने किया, शिपा जी ने तेल लिया, मुझे उल्टा किया, मेरे कमर पे पहले पैर दबाए, पूरा मतलब मसाज किया, फिर ऑयल से मेरे यहाँ पर तेल लगाया, ओके, पूरा मसाज किया मेरे पैर पे। फिर उन्होंने स्टमक एक बार चेक किया दबा के पूरा, ओके, शोल्डर पूरा चेक किया, शोल्डर में दर्द था, शोल्डर की खिंच पड़ गई थी, पता नहीं क्या था लेकिन दर्द था। जब उन्होंने मेरा स्टमक चेक किया ना, तो मेरा इंटेस्टाइन पूरा ड्राई था। सो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि ऐसे क्यों हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने बाहर का तो कुछ खाया नहीं, बस ये हुआ कि मैंने डाइट बहुत कम लेने लग गया था, और फिर पानी इनटेक भी थोड़ा सा कम ही था, ओके, 2 से 2.5 लीटर। तो ये सबसे ज़्यादा मैंने मिस्टेक कर दी कि लीविंग में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी, ओके, क्योंकि मैंने डाइट बहुत ज़्यादा कम ली और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैवी कर रहा था। सो मुझे डांट पड़ी, बट उन्होंने फिर मुझे एक टॉनिक दी, मेडिसिन दी, ओके, क्योंकि मेरे गैस वाली मेडिसिन दी, उन्होंने पूरा मसाज करा, ओके, फिर उन्होंने अंगूठे दो पकड़ के अप किया, मतलब उन्होंने अपनी जो उनका जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने पूरा लगाया अपना, ओके, वो हाई लेवल बंदे हैं, ओके, वीर है मेरे। तो उन्होंने मुझे फटाफट मुझे 1.5 घंटे में पूरा पैक किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, ओके, क्योंकि ना मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं जैसे ही खड़ा होता था मेरे पैर ऐसे लग रहे कि किसी ने गोटे समेत ही काट दिए, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। मैं फिर जब उन्होंने मसाज कर रहे थे मैं रो पड़ा कि मेरे को गिव अप नहीं करना अभी भी, ओके, मैं गिव अप भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरा मुझे मसाज करा, ठीक करा 1.5 घंटे में, और उन्होंने बोला आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज जाके बस रेस्ट कर, ओके, उन्होंने मुझे डाइट बताई, बस ये खाइयो, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, ओके, और कुछ खाया भी नहीं था। सो गाइस, आप ये प्लीज़ गलती मत करना, बाकी सारे जो एक्सपीरियंस है वो तो ऑफकोर्स करेंगे, जो बिगिनर है तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस हिसाब से जितनी आपको मील बोली गई है प्लीज़ अपनी मील सारी लेना, कोई भी मील स्किप मत करना, क्योंकि अगर ट्रेनर आपको बोल रहा है भैया फ्लेक्स बाद में कर लेंगे क्योंकि अगर ट्रेनर आपको बोल रहा है तो वो बहुत एक्सपीरियंस है और सोच समझ के बोल रहा है, तो आप ये गलती मत करना। बस ये बताने के लिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आज प्रभु के साथ जो हुआ, क्योंकि जब मैं उधर बैठी थी तब मेरे पास जब मैंने प्रभु कॉल किया कि मेरा हो गया है तुम आ जाओ लेने, और वैसे भी प्रभु आज का टास्क हार गया क्योंकि वो चला गया था जिम, तो जब मैंने बोला कि आ जाओ लेने तब प्रभु ने मुझे बोला कि मेरी ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो गई है, उसके बाद फिर मैं ठीक है तो जब उसके बाद मैं जिम गई, फिर वहां से प्रब जब ठीक हुआ तो हम दोनों वहां से घर आए। चुआ है चुआ, क्या कर रही हो चुआ? तो गाइस आप गलती मत करना, ओके, और मेरे को भी तो पूरी रेस्ट करना है, ओके। तो आज के दिन भी हमारे साथ हमारी जिंदगी में एक नया जोर। अच्छा, आज का दिन तो वैसे बहुत ज्यादा ही झोल था। मैं सीरियसली बंद कर दो एक मिनट, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा ना इधर आओ इधर आओ पैनिक हो गया था उस वक्त की, और गाइस मैं रो पड़ा इधर आओ
कल आपके साथ प्रैंक हुआ वो कैसा लगा? मैं खुद देना ही पड़ गया, याद ना दिला मैनू। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि जो भी आज हुआ ना मेरे साथ मतलब बहुत ही गंदा था, मैं रो पड़ा था लिटरली, आंसू मेरे रुक नहीं रहे थे। मतलब प्रभु को ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी में से ना एनर्जी का, जैसे मैं खत्म फिनिश, अब ऐसे कुछ भी नहीं, बीपी मेरा लो था। सो गाइस व्लॉग एंड करने से पहले जिसने लास्ट व्लॉग में बहुत अच्छा कमेंट करा था उसको हम इस व्लॉग में शाउट आउट देंगे, और जो इस व्लॉग में बहुत अच्छा प्यारा कमेंट करेगा उसको नेक्स्ट व्लॉग में शाउट आउट देंगे। जो इस व्लॉग का है शाउट आउट दे रहे हैं डॉली को। Okay. उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट करा, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग लाइक शेयर मुझे जरूर बताना, और छोटा सा व्लॉग था क्योंकि हादसा हो गया आपको पता ही है। हादसा हो गया बहुत बुरा, कोई नहीं बताएंगे हम क्यों बता रहे। मैं बता देता हूँ यार, एक्चुअली मैंने बोलना था, नहीं मैंने बोलना था।